हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्चुअस। आज के सेशन में बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपके बैंक ऑफ बड़ौदा पीओ 2018 का जो अपकमिंग एग्जाम है उसको टारगेट करके बनाए गए। लेकिन जो बच्चे किसी दूसरे बैंक पीओ की क्लर्क की भी प्रिपेरेशन अगर कर रहे हैं तो उनके लिए भी इक्वली हेल्पफुल है। चलो सेशन शुरू करते हैं। स्क्रीन पे देखिए क्या है पहला क्वेश्चन। व्हाट इज एन इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट आईडीआर? आईडीआर क्या है? ऑप्शन सी इज राइट। आईडीआर इन इंस्ट्रूमेंट इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिटरी रिसिप्ट क्रिएटेड बाय एन इंडियन डिपॉजिटरी अगेंस्ट अंडरलाइंग इक्विटी शेयर्स ऑफ द इश्यूइंग कंपनी। तो इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट ये एक मैकेनिज्म है जिसमें जिसके थ्रू फॉरेन कंपनीज इंडियन मार्केट से फंड रेज कर सकती है, और इंडियन मार्केट से जब वो फंड रेज करेंगी तो जो अपनी सेबी है उस सेबी की उनको गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेगी। तो इन सेबी की गाइडलाइंस फॉलो करते हुए वो इंडियन मार्केट से फंड रेज कर लेती हैं, और उसके लिए वो जो भी उनके शेयर्स वगैरह हैं वो इंडियन किसी बैंक को सरेंडर कर देते हैं, और वो सरेंडर्ड जो उनके शेयर्स हैं उनके अगेंस्ट में स्टॉक एक्सचेंज से वो बैंक उनको आईडीआर इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट दिलवा देता है, और उस वो और उनको इंडियन करेंसी में इंडियन मार्केट से पैसा मिल जाता है। नेक्स्ट देखिए, कैपिटल मार्केट रेगुलेटरी। कैपिटल मार्केट को रेगुलेट कौन करता है? तो सेबी है। ऑप्शन इज राइट। सेबी क्या होता है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यही रेगुलेट करता है आपके कैपिटल मार्केट। नेक्स्ट देखिए, मेनी टाइम्स वी रीड अबाउट फ्यूचर ट्रेडिंग इन न्यूज़पेपर। व्हाट इज फ्यूचर ट्रेडिंग? फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होता है? फ्यूचर ट्रेडिंग एक दो पार्टीज के बीच का एग्रीमेंट है जिसमें वो किसी भी एक पर्टिकुलर एसेट है जिसको उनको बेचना है या खरीदना है, उसके लिए फ्यूचर की कोई एक डेट डिसाइड कर ली कि वे फलां डेट पे इसको इस रेट किसी एक और रेट भी फिक्स कर ली इस रेट पे इसको बेचा और खरीदा जाएगा, तो वो है फ्यूचर ट्रेडिंग। तो ऑप्शन बी इज राइट। इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज टू बाई और सेल एन अंडरलाइंग असेट इन द फ्यूचर एट ए प्री डिटरमाइंड प्राइस। प्राइस उसमें प्री डिटरमाइंड है, टाइम उसका प्री डिटरमाइंड है किस डेट को वो बेचा या खरीदा जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेगुलेटर ऑफ द क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज इन इंडिया? क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को भी रेगुलेट कौन करता है? तो ये भी ऑप्शन डी है, सेबी ही क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है इंडिया में। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कॉल्ड एज ए डेबिट इंस्ट्रूमेंट एज रेफर्ड इन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में इनमें से कौन सा ऐसा है जिसको डेबिट इंस्ट्रूमेंट नहीं कहा जाएगा? तो इसमें ऑप्शन ई इज राइट। जो लोन्स हैं वो इसमें नहीं आते, बाकी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स ये इसी में है, बॉन्ड्स इसी में है, स्टॉक्स इसी में है, कमर्शियल पेपर इसी में। नेक्स्ट देखिए, व्हेन एन एजेंट आस्क द कस्टमर टू इन्वेस्ट इन ए म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट विदाउट टेलिंग हिम और हर अबाउट द रिस्क इन्वॉल्व इन द इन्वेस्टमेंट द प्रोसेस इज टर्म्ड एज। आज कोई भी कस्टमर के पास जाता है एजेंट म्यूचुअल फंड वगैरह सोल्ड करने, और वो अगर उसके मार्केट की रिस्क वगैरह से उसको नहीं बताता तो इस टर्म को क्या कहा गया है? तो ये ऑप्शन ए इज राइट। मिससेलिंग। मिससेलिंग मतलब मिससेलिंग उसको कहेंगे जब आप किसी भी कस्टमर को मिसलीड कर रहे हैं, आप कुछ चीजों को हाइड कर रहे हैं जो उसको बताना जरूरी है। नेक्स्ट देखिए, द स्टॉक मार्केट इंडेक्स ऑफ लंदन, स्टॉक मार्केट इज रेफर्ड एज, तो ये जो लंदन का स्टॉक मार्केट है ये क्या? ऑप्शन बी इज राइट, फुटसी। द फाइनेंशियल टाइम्स स्टॉक एक्सचेंज ये है आपका लंदन का स्टॉक मार्केट। नेक्स्ट देखिए, विच इज द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू बी लिस्टेड ऑन नास्डेक? नास्डेक क्या है? ये अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज है। इसका अगर आप फुल फॉर्म देखेंगे तो है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिक्योरिटीज डीलर्स ऑटोमेटेड कोटेशंस, और ये सेकेंड हाईएस्ट है कैपिटल ग्राउंड पे। सबसे ज्यादा न्यूयॉर्क के जो अमेरिका का ही है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, वो टॉप पे है कैपिटल मैटर मामले में, और सेकेंड हाईएस्ट है आपका नास्डेक, वो थर्ड है आपका जो ऊपर आपने लंदन स्टॉक मार्केट देखा है फुटसी, ये थर्ड नंबर पे है कैपिटल के साथ। तो ये नास्डेक में सबसे पहले लिस्टेड हुई ये आपके इंफोसिस टेक्नोलॉजीज, ये ऑप्शन डी इंफोसिस। इंफोसिस सबसे पहले लिस्टेड होने वाली कंपनी।
Next, in the capital market, the term arbitrage is used with reference. Capital market में arbitrage को किस form के लिए use किया जाता है? तो ये एक purchasing और selling है, वो कोई भी जैसे same security है और उसकी purchase और sell करना एक उसी time पे same time पे different stock markets में, ताकि उसको जो rate difference है उस security का उसका advantage मिल सके या वो एडवांटेज लिया जा सके, तो ये आर्बिट्रेज है. अब तो इसमें ऑप्शन सी इज राइट, द साइमल्टेनियस परचेज एंड सेल ऑफ एन एसेट टू प्रॉफिट फ्रॉम एन इंबैलेंस इन द प्राइस. प्राइस और वो डिफरेंट जो मार्केट्स हैं, स्टॉक मार्केट्स हैं, उनमें जो प्राइस का डिफरेंस है उसके एडवांटेज के. नेक्स्ट एंड लास्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज नन एज द मार्केट रेगुलेटर इन इंडिया. ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो मार्केट रेगुलेटर, वही सेबी ही है. ऑप्शन बी इज राइट, सेबी कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी. और सेबी का फुल फॉर्म आपको मैंने बताया था, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. कई बार ये भी आ जाता है कि जो सेबी है उसमें ई स्टैंड्स फॉर, बी स्टैंड्स फॉर, या सेबी का आपको फुल फॉर्म पूछ लिया, ये भी आपको ध्यान होगा. तो ये था आज का सेशन. आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए, और आपको अगर किसी दूसरे टॉपिक पे वीडियो चाहिए प्लीज हमें लिखिए कमेंट सेक्शन में, हम आपको देने की कोशिश करेंगे. और कमेंट रेगुलरली करते रहिए, आपके कमेंट से ही हमारे अंदर इंप्रूवमेंट आएगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव ए नाइस.